हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक मेथी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इस रेसिपी का नाम है कॉर्न मेथी मलाई, और आप कह सकते हो मेथी कॉर्न मलाई आल्सो। तो ये इस रेसिपी बनाने से के पीछे एक रीज़न है। मैं अभी किसी मैरिज में गई थी, तो मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी। तो मुझे इस रेसिपी के बारे में पहले नॉलेज नहीं था कि, लेकिन खाने के बाद मुझे पता चला काफ़ी टेस्टी है, और मैंने पहली बार इस रेसिपी को ट्राई भी किया है खाने के लिए। मुझे इसमें 3 मीडियम साइज ओनियन डालने हैं, और मुझे नीचे से कोई ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना है। डायरेक्ट मुझे कढ़ाई रखनी है और उस पर ये प्याज डालने हैं, नीचे से कोई भी ऑयल नहीं लगेगा। और फिर मैंने लहसुन की 7-8 कलियाँ लहसुन की डाल दी है, और मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च एक डाल दी है, बट इसमें 2 हरी मिर्च पड़ेगी, अदरक का टुकड़ा, और इसमें काजू भी डलेगा, काजू कम से कम 12-15 काजू। जो ये मैं रेसिपी आज बना रही हूँ वो ये 5 लोगों के लिए है, और अगर आपको 3 या 4 लोगों के लिए बनानी है तो आप उस हिसाब से ऐड और लेस कर सकते हो इंग्रेडिएंट्स में। फिर इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, प्याज लहसुन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जैसे सॉफ्ट हो जाए हमें बंद कर देना है उसको, ठंडा करके फिर मिक्सी में पीस लेना है। हमें नीचे से घी या ऑयल ले लेना है 2-3 टेबल स्पून, और इसमें जीरा डाल देना है। और जैसे ही जीरा चटकने लगे तो हमें एक मेथी का पूरी, एक बाउल मैंने मेथी की ली है भर के, वो आपको इसमें रोस्ट करने के लिए डाल देना है। इस वक्त विंटर में कॉर्न काफ़ी अच्छे मार्केट में मिल रहे हैं, तो मैंने लेके इसे बॉईल कर लिया है। हमें ऐसे डायरेक्ट कच्चा नहीं डालना है, कॉर्न को बॉईल कर लेना है फिर डालना है। अगर इन केस आपको ये कॉर्न नहीं मिल रहे हैं फ्रेश वाले, तो आप जो फ्रोज़न आते हैं स्वीट कॉर्न, वो भी पैकेट लेके इसमें बॉईल करके डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, पहले हमें अलग से बॉईल कर लेना है। 5 मिनट के बाद जब कॉर्न रोस्ट हो जाए तो हमें इसमें मलाई डालनी है। मैंने मलाई लेके 3 से 4 चम्मच मलाई लेके अच्छे से फेंट लिया है, और फिर मुझे इसमें डाल देना है, और फिर मलाई इसके साथ मिक्स कर लेनी है। जैसे ही मलाई मिक्स हो जाए तो हमें फिर मैंने जो प्याज और काजू को जो बॉईल किया है अदरक लहसुन के साथ, वो मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लेना है, और फिर उसको इसमें डालना है। आप अपने अनुसार से पानी डाल लीजिएगा, आपको कितनी गीली या गाढ़ी चाहिए, बट इस बात का ध्यान देना है कि जैसे आप ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे तो बाद में और गाढ़ी हो जाएगी, तो पहले ही आपको थोड़ी सी पतली रखनी है। अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो आप गाढ़ी ही रखें, और अगर आपको 1-2 घंटे के बाद सर्व करना है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि बाद में वो सेट हो जाएगी। और हमें नमक डालना है, और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें, और चीनी डालनी है 1 टीस्पून। हमें अमूल की फ्रेश क्रीम लेनी है,
इससे ही इसमें एक अलग सा रिचनेस आएगी, इसकी क्रीम में, ग्रेवी में कुछ रिचनेस ही आएगी। तो ये जो अमूल की जो क्रीम है, मैंने लास्ट में हमें कसूरी मेथी डालनी है थोड़ी सी ऊपर से, और गरम मसाला डालना है 1/4 टीस्पून, और ब्लैक पेपर डालना है 1/4 टीस्पून। इससे इसका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।